हेलो माय फ्रेंड दोस्तों, आज हम आज जा रहे हैं चिड़ियाघर देखने के लिए। चिड़ियाघर में जितने भी जानवर हैं आपको दिखाएंगे दोस्तों। फिलहाल हम हैं मेट्रो में और दोस्तों ये है मेट्रो से कुछ नज़ारा देखिए दोस्तों। ये मेट्रो के बाहर का सीन है फिलहाल दोस्तों। अभी यहाँ से हम लोग सीधा ये है राष्ट्रीय उद्यान। फिलहाल दोस्तों यहाँ से ये देखिए, ये है ब्लैक स्वान काला हंस, और दोस्तों ये है नीलगाय जो कॉमन पाई जाती है हर जगह पर। दोस्तों ये शुतुरमुर्ग ऑफ ट्रीज दोस्तों, अभी ये खा रहा था, देखने के बाद लोगों को निकल गए हैं दोस्तों। यहाँ पे है टाइगर, ये दो टाइगर, एक वाइट टाइगर है और ये है दोस्तों जैसा टाइगर होता है। ये है दोस्तों क्रोकोडाइल मगरमच्छ दोस्तों, ये इसको बिजार बोलते हैं, जंगली भैंसा दोस्तों इसको दोस्तों। ये है पेलिकन बर्ड्स, ये पेलिकन बर्ड्स की छोटी बड़ी वैरायटी है, मतलब प्रजाति है दोस्तों। और ये यहाँ पे बहुत आराम से दोस्तों रह रहे हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पे चारों तरफ तालाबों को कब्जा कर लिया। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने घोंसला भी बना लिया है यहाँ पे, ये बहुत अच्छे से रहते हैं और अपना सारा सिस्टम इनका यहीं पे होता है, कहीं प्रवास करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। ये है पेलिकन, इनकी प्रजाति जो बड़ी प्रजाति होती है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा दूर बैठे हुए हैं और जो सामने आपने देखा था वो छोटी प्रजाति के हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम आप आगे निकलते हैं, ये काफ़ी दूरी में फैला हुआ है दोस्तों। इन्होंने जहाँ पाया है वहाँ पे अपना घर बना लिया है। तो दोस्तों चिड़ियाघर में यही एक आज़ाद चीज़ मिलेगी आपको देखने के लिए दोस्तों। ये है भालू, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये घूम रहा है, ये पेट लग रहा है। और दोस्तों ये है दूसरा, यहाँ पे आजू बाजू में दो भालुओं को रखा हुआ है, एक साथ रहेंगे तो लड़ाई कर देंगे दोस्तों। ये है टाइगर दोस्तों, ये है शेरनी, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लायन शेर यहाँ पे बंद है, उसको एक साथ छोड़ेंगे तो ये भी लड़ जाएंगे। ये शायद अभी नया आया है। तो फिलहाल दोस्तों ये देखिए, बिना पूंछ वाला बंदर है दोस्तों, बिना पूंछ वाला बंदर और इनके छोटे छोटे बच्चे। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये है हाथी, पहले दोस्तों यहाँ पे सफ़ेद हाथी हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे सफ़ेद हाथी नहीं दिखा है। तो यही है नर मादा दोनों हैं दोस्तों। ये है क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे धूप सेक रहा है। और दोस्तों ये है वाइट टाइगर, फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ। ये दोस्तों देखने में दूर से छोटा लग रहा है दोस्तों। ये है हिप्पोपोटामस, यानी इन्हें दरियाई घोड़ा बोला जाता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आराम से नहा रहे हैं दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल करीब में है। देखिए यहाँ पर एक गुलाटी मार रहा है, पानी के अंदर घूम के नहा रहा है, ये बहुत आराम से रह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे ये हैं चार हैं यहाँ पर। तो फिलहाल दोस्तों ये देखिए सफ़ेद हिरण, फिलहाल दोस्तों यहाँ पे सफ़ेद हिरणों की संख्या काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि ज़्यादा सफ़ेद हिरण दिखते नहीं हैं दोस्तों। यहाँ पे बारिश का समय है तो मिट्टी उट्टी भरी पड़ी है, तो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और दोस्तों इसके आगे हम लोग ये देखिए दोस्तों, ये है क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये मुंह खोल के धूप सेक रहा है दोस्तों। जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे अपने आप को चार्ज कर रहा है, इसके बाद एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर। और ये है दोस्तों जंगली सुअर, तो दोस्तों ये है जंगली सुअर, यहाँ पे देखिए कीचड़ में आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इधर घूम रहा है, और यहाँ इस कोने पर भी आराम से घूम रहे हैं दोस्तों। फिलहाल अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये है नया प्रजाति का उल्लू, देखिए बहुत नया प्रजाति का उल्लू है, ये देख सकते हैं इसको। ये है दोस्तों बाज, ये भी बाज चील है। और दोस्तों ये है गिद्ध, स्पेनी गिद्ध है दोस्तों ये। और ये दोस्तों है हिरण, डियर हिरण। अब इसके आगे दिखाएंगे आपको दोस्तों, ये काफ़ी आराम से बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये है जंगली मुर्गी, और ये दब है दोस्तों, और ये है दोस्तों जंगली मुर्गी काली वाली। और ये दोस्तों ये देखिए, ये है मुर्गियों की प्रजाति का एक, देखिए दोस्तों मुर्गी की ही प्रजाति है दोस्तों, ये कुछ अलग है। और यहाँ पे दोस्तों ये है पैरट, बहुत सारे हैं यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए ईगल नज़दीक आया है, शूट करने की कोशिश की। ये दोस्तों ब्लैक पीटर, दोस्तों ब्लैक पीटर इसको हमने बुलाया, चिड़ियाघर के जो भी जानवर उनको बुलाएंगे तो बहुत आसानी से आ जाते हैं। ये ब्लैक पीटर के बगल में दोस्तों ये देखिए, ये वही वाली मुर्गी है दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत खूबसूरत मुर्गी है, ये बढ़िया से दिख नहीं रहा था दोस्तों,
और ये दोस्तों ये देखिए पैरेट, अफ्रीकन पैरेट है ये पैरेट, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों ये है ग्रीन पैरेट है, ये सब दोस्तों अफ्रीकन पैरेट है, ये भी ग्रीन पैरेट है दोस्तों, इसकी हल्का सा कलर दूसरा। यहाँ पे देखिए दोस्तों नीला और रेड में है, मकाऊ पैरेट है, इसको मकाऊ बोला जाता है, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ये कम से कम 4-4.5 लाख रुपये का आता है दोस्तों। येलो और येलो ग्रीन ये है दोस्तों, येलो ब्लू पैरेट दोस्तों, इनकी कीमत तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए तक होती है अगर इनको आप परचेस करेंगे खरीदेंगे तो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इनकी काफ़ी आबादी है दोस्तों, उसी के बगल वाले केज में दोस्तों यहाँ पे 6 मकाऊ पैरेट हैं दोस्तों, देखिए दो यहाँ पे पड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे दो यहाँ पर पड़े हुए हैं दोस्तों, एक वहाँ पर था और एक इधर, देखिए दोस्तों यहाँ पे झाड़ के पीछे दिखेगा, और दोस्तों दो पैरेट और भी थे, ये है 3 है दोस्तों, और ये बजरी पैरेट नहीं है दोस्तों, ये कॉकटेल है दोस्तों, ये है कॉकटेल पैरेट, यहाँ पे बजरी भी थे, और इसी में दोस्तों यहाँ पे बगल में ही जंगली मुर्गियाँ बहुत सारी हैं दोस्तों, यहाँ पे ये शीशा लगा के रखा हुआ है कि आसानी से दिख सके, ये देखिए दोस्तों खारे जंगली मुर्गी, और ये देखिए नाम इसका देख सकते हैं दोस्तों, ये अलग अलग तरीके से नाम इनका है दोस्तों, जो इंडिया में रहता है। फिलहाल दोस्तों ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मुर्गी है फ्रेंड, ये देखिए ये भी टोटो की एक प्रजाति है शायद दोस्तों, ये है कॉकटेल, वो बजरी पैरेट थे दोस्तों, ये टोटो में भी बहुत सारी प्रजातियाँ दोस्तों, ये है गैंडा, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बगुला बैठा हुआ है राइनोसॉरस, और ये है दोस्तों हिरण, दोस्तों हिरणों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसमें काफ़ी प्रजाति के हिरण हैं दोस्तों, चीतल सांबर और बहुत सारी प्रजातियाँ दोस्तों इनका, ये यहाँ पे काफ़ी एरिया इनको मिला हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ कीचड़ में बैठे हुए हैं, ये 12 सिंगे हैं, इसी सिंह निकल रहे दोस्तों, ये दोनों अभी नए नवयुवक हिरण लग रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे हिरण हैं, 12 सिंह दिख जाएंगे, वो देखिए बैठा हुआ है दोस्तों, उसकी पूरा वयस्क लग रहा है, पूरी सिंह इसकी विकसित हो गई है, इनको 12 सिंह बोला जाता है दोस्तों। ये है बिजार बाइसन दोस्तों, बाइसन दूसरी चीज होती है, ये है बिजार, ये जंगली बिल्ली है, इसको भी यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। अब इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये मुर्दा खोर दोस्तों, यहाँ पे उदबिलाव लिखा हुआ था कि इनको उदबिलाव बोलते हैं, फिलहाल दोस्तों अलग जगह पे अलग अलग नाम दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये है सियार, जंगली सियार, देखिए दोस्तों ये कैसे घूम रहा है, ये देखिए दोस्तों कैमरा को देख के दूर भाग गया, और ये देखिए बिल्कुल नज़दीक आके खड़ा हुआ है दोस्तों। भेड़िए की हाइट इससे हल्का सा ज़्यादा होती है, और वो बड़े खतरनाक होते हैं, प्रेजेंट टाइम में बहराइच में कोहराम मचा रखा है भेड़ियों ने, और ये है दोस्तों बिजार बाइसन दोस्तों, ये है बिजार इसको यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ये ठंडे प्रदेशों में इनको बाइसन बोलते हैं, इनके अगल बगल बाल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों ये है ब्लैक हिरण, ब्लैक डियर दोस्तों, ये है काला हिरण इनको बोला जाता है, इनकी काफ़ी रेयर प्रजाति है, बहुत कम देखने को मिलता है। फिलहाल देखेंगे दोस्तों ये दो हिरण है, इनको मारने पे दोस्तों काफ़ी पाबंदी है, सब पे पाबंदी है। ये है दोस्तों सांभर हिरण, ये हमको देख नहीं पा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसके नीचे हमारा हाथ और कैमरा इनको दिख रहा है, और कोई नहीं दिख रहा है, जिसके वजह से ये काफ़ी नज़दीक में खड़े हैं, और देखिए आराम से इनका वीडियो बहुत आराम से बन पा रहा है दोस्तों, अगर देख लेंगे तो ये खिसक जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों इनका सांभर हिरण का बच्चा भी है, अब यहाँ से हम लोग आगे निकले दोस्तों, ये है शेर की पूंछ वाला बंदर दोस्तों, फिर से हम आ गए यहाँ ऑक्सीज के पास, शुतुरमुर्ग ये खाना खा रहा था दोस्तों, तो हमने सोचा इसका भी एक और वीडियो बना लें। अभी दोस्तों भीड़ होने के बाद ये भाग जाते हैं, ढंग से खाना भी नहीं खा पाते हैं दोस्तों। ये देखिए अब यहाँ से ये लोग निकल लेंगे, और दोस्तों ये है टाइगर, बंगाल टाइगर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये वही मुर्दाखोर जानवर है जिनको बीवर बोलते हैं दोस्तों, ये बंदर
फ्रेंड्स ये है लेपर्ड तेंदुए, और यहाँ पे आजू बाजू में दोस्तों दो पेयर हैं, दो जोड़ी हैं। फिलहाल दोस्तों ये देखिए यहाँ पे घूम रहा है, इसे कोई डर कोई फिक्र नहीं, यहाँ पे आराम से घूम रहा है दोस्तों। यहाँ पे इसके आजू बाजू बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे हाथ लगा के इसको छूने की भी कोशिश किया है कई लोगों ने। ये जाली के बिल्कुल पास में घूम रहा था दोस्तों, काफ़ी देर तक घूमा। अब देखिए यहाँ पे ये आराम कर रहा है, और अब दोस्तों हम दूसरे केज में आ चुके हैं। ये देखिए दोनों यहाँ पे आराम कर रहे हैं, नीचे में दोनों के दोनों आराम से बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए दोस्तों आराम से दोनों, एक बैठा हुआ है एक घूम रहा है, उसके बाजू में दोस्तों ये एक ऊपर जाके बैठा हुआ और एक आराम से घूम रहा है। यहाँ पे बताया था दो पेयर हैं, दो जोड़े हैं दोस्तों, इनको नज़दीक से देखने का काफ़ी दूसरा अनुभव होता है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल नज़दीक से हमने इसका वीडियो बनाया है, ये देखिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, उसमें हमने सारे जानवर और पक्षियों को कवर करने की कोशिश की दोस्तों। ये देखिए बंदर को यहाँ पे ये पत्ता खिला रहा हूँ दोस्तों, इसको बहुत पसंद है उस बंदर को, पत्ता देखते ही ऊपर से भाग आया। और ये देखिए चिड़ियाघर के लोग मना कर रहे हैं कि मत खिलाओ दोस्तों, तीन बार इनको खिलाया हूँ। और ये हैं दोस्तों कछुए, यहाँ पे ये देखिए कछुए हैं, और ये है दोस्तों इंडियन रॉक पाइथन, मतलब ये दोस्तों अजगर, इंडियन बोआ अजगर। फिलहाल दोस्तों ये अजगर है, और ये देखिए दोस्तों काफ़ी सीसी के ऊपर रेंगता, वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा, इसको देखने के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है दोस्तों। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आवाज़ सुन सकते हैं दोस्तों, आवाज़ को म्यूट नहीं किया हमने। यहाँ से दोस्तों ये देखिए बच्चा हुआ बोर्ड पे लगा हुआ नाम पढ़ रहा है, इंडियन रॉक पाइथन दोस्तों, इंडियन अजगर है। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंडियन अजगर की काफ़ी आबादी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों एक वहाँ पर था, दो यहाँ पर हैं, और इसके बाजू वाले केज में भी ये इंडियन अजगर रखे हुए हैं। ये दोस्तों पानी, ये धामन सांप बोलते हैं इसको दोस्तों, ये सांप नाम जन इसके अंदर जहर नहीं होता है। फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में